baby mama, and thing. Can I hear the make you mad? I wanna go chop your body. I want it, my can you see? Ule, open up, make I see you. Ule, you're my love, one city. If you make a bad man, see no. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो गाड़ी आप देखते हैं हर मेरी वीडियो में जिस पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आगे पीछे जा रहा हूँ, तो ये उस जो गाड़ी है हमारी पजेरो मित्सुबिशी, तो उस पर डिटेल्ड रिव्यू देंगे हम आप लोगों को। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के आपको। तो चलें शुरू करते हैं फिर। तो आज मैं अपने वालिद साहब के साथ आया हुआ था। तो जैसा कि आपको पहले पता चल गया कि आज का जो टॉपिक है वो हमारी पजेरो है मित्सुबिशी, तो इसके बारे में डिटेल रिव्यू आपको देंगे। तो ये मेरे वालिद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। मेरा नाम लियाकत है जी, ये मेरा बहुत प्यारा और चहता बेटा जी अब्दुल्ला लियाकत। तो आज ये हमारी अपनी गाड़ी है, इसके बारे में ये पूछ रहा है मुझसे, तो मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंजन किस तरह है, टायर कितने साइज़ के चलते हैं और बाकी चीज़ें जो जो पूछेगा मैं इसको बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से, तो चलते हैं। नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं गाड़ी के इंजन की साउंड। तो अच्छा अब्दुल्ला, इसका जो इंजन है ये 2446 सीसी इंजन है, 4 सिलेंडर है और ये डीजल इंजन है। 4D56 इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। 4D56। वाह, 4D56। तो दूसरा ये है कि बाकी इसकी हर चीज़ वर्किंग हालत में, एसी, हीटर, हर चीज़, सनरूफ, मतलब जो इसकी जो ना ये लाइटें लगी हुई हैं बम्पर के ऊपर, ये अमेरिकन लाइटें हैं, एक्स्ट्रा लाइटें हैं, हेड लाइटें, अगर किसी वक्त ख़राब हो जाए इमरजेंसी में तो ये हम चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सेफ गार्ड लगा हुआ है ये। तो बाकी रहा मसला कि बहुत ये आरामदेह गाड़ी है जी, तो हमें तो बहुत पसंद है और बहुत हमने बहुत पुरानी रखी हुई है जी। ये और कितना अच्छा हो गया बाबा इस गाड़ी को रखे हुए। इसको मैं गाड़ी ली थी 2006 में, तकरीबन ये 15-16 साल हो चुके हैं जी, और बड़ी बड़ी आरामदेह है और कोई हमें तकलीफ नहीं देती है। जिधर जाएं पहाड़ी इलाके की तो शहजादी है ये। हाँ जी, तो रोड के ऊपर भी बड़ी इसकी लुक है, तो इसलिए अब जो है ना जहाँ भी हम इसको खड़ी करते हैं, आज के दौर में तो ये बहुत कम हो गई हैं जी, तो जहाँ भी हम खड़ी करते हैं लोग आ जाते हैं, कोई मूवी बनाता है, कोई पूछता है बेचते नहीं अंकल, बेचते तो नहीं है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये हम बेचने वाली गाड़ी नहीं है। तो बड़ी मतलब है कि ये बड़े गौर से इसको देखते हैं। ये जो टायर हैं इसके ओरिजिनल साथ आते हैं, वही टायर डनलप के हैं, 2.5x16 के ये टायर लगे हुए हैं, वही साइज़ इसको जो ओरिजिनल आता है वही हमने इसको डाला हुआ है। जेन्युइन साइज़ इसका जो आता है कंपनी से वही इसको हमने डाला हुआ है, और इसमें रोड ग्रिप, ब्रेक बहुत अच्छी है जी। अभी चलते हैं जो इंटीरियर है हमारा, हाँ इंटीरियर के बारे में अपने नाज़रीन को बताते हैं। अब्दुल्ला, जो इसकी सीटें हैं ना इसमें शॉक्स लगे हुए हैं, और सफ़र में ये बड़ी आरामदेह हैं, बिल्कुल जिस तरह बंदा घर के अंदर ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठा होता है इस तरह इसका सफ़र होता है। और इनकी हमने पोशिंग भी कराई हुई थी जी। ये ऊपर जो है ना ये लूज़ कवर चढ़े हुए हैं, ओरिजिनल जो है ना वो इसके अंदर है, ओरिजिनल इसके अंदर है। हाँ, और इसका जो है ना पावर स्टेयरिंग है, ये 4-व्हील ड्राइव है, ठीक है, और सामने हर चीज़ मीटर लगा हुआ है,
वो टेम्परेचर बताता है अंदर बाहर का, और सनरूफ है, ठीक है, वो भी मैं खोल कर आपको बताता हूँ। ठीक है, पीछे वाली सीट है, ये पीछे वाली सीट है, बिल्कुल ये भी आरामदेह है, बंदा सोना चाहे तो ये जो है ना ये तकिया बन जाता है, बिल्कुल तो सो सकता है आराम से। तो बाकी रे मसला के बहुत अच्छी है, और बाकी अंदर अंदर से अंदर इंटीरियर जो है ना वो सनरूफ है, ऊपर वो खुलता है, वर्किंग हालत में है। अच्छा, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं इसका, और मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ इसका स्पीडोमीटर, जिसकी गेजेस आप देख सकते हैं। ये राइट साइड पे ये आरपीएम की है, और उसके अलावा जो सेंटर में है वो एक टेम्परेचर की है, और एक डीजल की फ्यूल टैंक की गेज आप देख सकते हैं। और ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड यू कैन सी द गेज ऑफ द स्पीडोमीटर। उसके अलावा फिर आप ये देख सकते हैं, इसमें ये गाड़ी के अल्टीट्यूड से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये इसका टेम्परेचर आउटडोर और इंडोर टेम्परेचर शो कर रहा है। और उसके अलावा ये इसके एसी के वेंट्स हैं, और यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा यहाँ पे एसी की जगह बनी हुई है, ये हमारा एसी रहा, और ये इसका जहाँ से फ़ैन ऑन होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आप वॉच देख सकते हैं, और ये टेप है जो हमने खुद इंस्टॉल की थी। तो बाकी ये नीचे इसके गियर्स हैं, और ये साथ फोर व्हील, और ये इसका एक स्टोरेज बॉक्स है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये इसकी फ्रंट लाइट्स हैं, जो कि आपको भी ऑन होती नज़र आ गई होंगी, और ये मीटर की भी लाइट्स आप देख सकते हैं, ये भी हमने खुद ही मॉडिफाई कराई है, मीटर की वाइट लाइट्स हो रही है यहाँ पे। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइट्स भी हैं, जो ऑफ रोडिंग के दौरान बहुत हेल्प देती हैं, वो लाइट्स ये अभी हम यहाँ से ऑन करेंगे, और आपकी लाइट से भी दिखाते हैं ये ऑन है। ये जो कैन है इसमें स्पेयर डीजल आता है, 20 लीटर का ये कैन है, अगर लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं, पहाड़ी रास्ता है जहाँ डीजल की कोई कमी होती है, तो ये हम भरवा लेते हैं, 20 लीटर इसमें आता है। और ये जो नीचे आप देख सकते हैं वो क्लिप, ये स्पेयर टायर है, ठीक है, क्लिप है ये, अगर कोई गाड़ी फंसी हुई है किसी मार्ट वगैरह में तो उसको आप टो करके निकाल सकते हैं। और ये हमारा स्पेयर टायर है, फिर जो है ना अंदर डिग्गी खोलते हैं अब्दुल्ला, ये जो अंदर देखें नज़र आ रही है, ये दोनों सीटें जो ना फोल्ड की हुई हैं, ये भी सीट है, ये भी सीट है, अगर बंदे ज़्यादा हो जाएं तो ये हम खोल लेते हैं, खोल के बस बंदे बैठ जाते हैं। और ये पीछे डिग्गी में जो है ना कालीन मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई है, ताकि नीचे वाली जो कालीन जो हमारी ओरिजिनल कालीन ये है, ये ख़राब ना हो, देख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ख़राब ना हो। ये जो है ना टो चैन है, अगर हमारी एक गाड़ी ख़राब हो जाती है तो चैन हमारे पास होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, अगर किसी और की भी ख़राब हो जाए तो हम अपनी गाड़ी के साथ इसको बांध लेते हैं, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। और ये जंपर लीडे, अगर किसी की बैटरी डाउन हो जाए, अपनी की डाउन हो जाए, ये भी हमने गाड़ी में रखी हुई है। और ये जो है ना ये भी रखा हुआ है, ताकि रात को अगर गाड़ी ख़राब हो तो हम इसको जनाब रख दें, रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। और ये पानी का कैन ये भी स्पेयर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि अपनी गाड़ी में या किसी दूसरे की गाड़ी में पानी
आपकी ज़रूरत हो तो हम ये भी दे देते हैं जी। ये जो ना फाइन बेल्ट है, इसके अगर कोई ख़राब हो जाए रास्ते में तो ये हमारे पास होते हैं, तो इसको हम खुद ही चेंज कर लेते हैं या कोई मैकेनिक हो तो उससे करा लेते हैं। परेशानी नहीं होती है कि फाइन बेल्ट नहीं मिल रहा है जी। बारिश लग जाए अचानक तो हमारे पास छतरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो व्यूअर्स, ये जब अगर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए तो ये सीट जो हमारी, ये भी फोल्ड रहती है, तो उसका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से इसको खींचते हैं और ये फोल्ड रहती है और ऐसा ये यूँ पूरी सीट हमारी फोल्ड रहती है और ये पूरी जो है आप देखें। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप सो कि आपको ये वीडियो, इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इट मीन्स अ लॉट, और क्योंकि बहुत मेहनत होती है इन वीडियोस पे, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो दिल से अच्छा लगेगा, दिल से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और दो में याद रखिए, और अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? मैं आज ठीक ठाक, अल्लाह करम। अब मुझे बोलना क्या है पहले ये बताओ। ये जी हमारे हसन भाई, इन्होंने बड़ा तावन किया हमारे साथ आज। नहीं नहीं सर, नींद से उठ के आए हैं आपके लिए कुछ भी। बड़ी मेहरबानी इनकी। राजी साहब हमें इस बड़ी खूबसूरत जगह पर ले के आए हैं, तो बाकी देख तो लिया होगा आप लोगों ने कि हम इस जगह पे क्यों आए हैं। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो।